बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको लाया हूँ अपने गांव की मस्जिद जो ज़ेरे तामीर है वो दिखाने के लिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मस्जिद पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और किसी किस्म के माली मामलों के लिए आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं मस्जिद इमाम से। तो हमें ये मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पर अभी तक ज़ेरे तामीर है। इसका रंग रोगन और मीनार वगैरह इसके रहते हैं जो मुकम्मल करने हैं। तो आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये मस्जिद का सेन है। यहाँ पर कम से कम जो 5 सफ़ों की जगह है और कमो बेश 200 अफराद के लिए भी एक वक्त बाहर नमाज अदा करने का इंतज़ाम किया गया है। ये इसके साथ कुछ गैलरी है और इसके बाहर खेत हैं। आइए चलते हैं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अंदर से दिखाने चलता हूँ। तो ये कुछ मनाजिर हैं मेरे गांव के मस्जिद के बाहर, जो मस्जिद के हाल से भी बाहर नज़र आते हैं। ये मस्जिद का बरामदा है, यहाँ पर कमो बेश 3 सफ़ों का जगह है और 150 बंदा यहाँ अंदर आ सकता है। ये गुंबद बनाया गया है, अभी तक इसका काम जारी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मस्जिद के लिए भरपूर मदद करें ताकि इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। आइए चलते हैं मस्जिद के अंदरूनी हाल में। यह है जी मस्जिद का अंदरूनी हाल मेन। यहाँ पे 8 सफ़ों की गुंजाइश है और कम बेश 400-100 बंदे की भी एक वक्त अंदर जगह है। तो मस्जिद में कम से कम 1000 बंदा एक वक्त नमाज अदा कर सकता है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी मस्जिद अभी काफ़ी काम रहता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस मस्जिद की इमदाद करें ताकि इसका काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा सके। मैं आपको इसके दिखा सकता हूँ बाहर के मनाजर आपको। तो ये देखें, इसके जो विंडो से बाहर का मंज़र आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत मंज़र यहाँ से नज़र आ रहा है। ये दूसरी विंडो से ये कुछ बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि मज़ीद लोग इसको देख सकें, और सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ में आपको बेहतर हूँ। जज़ाकअल्लाह।